हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर क्या है। टेलीविजन एंकर धड़ल्ले से बिना कागज देखे समाचार पढ़ लेते हैं, ऐसा वे टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से कर पाते हैं। इस टेक्नोलॉजी को टेलीप्रॉम्प्टर या ऑटो क्यू कहते हैं। यह एक ऐसा डिवाइस है जो हर वक्त दर्शकों के साथ आंखों से संपर्क बनाए रखते हुए स्क्रिप्ट पढ़ने में मदद करता है। इसमें कागज पर नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब इसके सामने स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, तब ऐसा लगता है कि सामने वाले को सब कुछ अच्छी तरह से याद है। अब हम आपको बताएंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। न्यूज स्टूडियो में टीवी एंकर के लिए, फिल्मों में डायलॉग बोलने के लिए, नेता को भाषण देने के लिए, मीटिंग प्रेजेंटेशन के लिए, बिजनेसमैन फिल्मों में डायलॉग बोलने के लिए इस टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल है वो किया जाता है। अब बात करते हैं कि यह टेलीप्रॉम्प्टर कैसे काम करता है। देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर में दो बीम स्प्लिटर ग्लास होते हैं। प्रत्येक ग्लास को 45 डिग्री कोण पर एक छोटे स्टैंड पर रखा जाता है। यहाँ पर टेक्स्ट को मॉनिटर की मदद से ग्लास पर दिखाया जाता है, जिसे देखकर रीडर आसानी से पढ़ सकता है। ग्लास के निचले हिस्से पर एक फ्लैट एलसीडी मॉनिटर होता है, जिसे छत की ओर मुंह करके रखा जाता है। यह मॉनिटर 56-72 PT कांटेक्ट में शब्दों को प्रदर्शित करता है, और इसके पीछे की तरफ भी एक कैमरा है, वो लगा होता है। टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे एक कंट्रोल होता है, जो इस पर चलने वाले टेक्स्ट की स्पीड को कंट्रोल करता है। यानी रीडर जैसे जैसे टेक्स्ट पढ़ता जाता है, कंट्रोलर उसे स्क्रॉल करके हटा देता है। वैसे अब टीवी एंकर इसकी स्पीड को मैनुअल कंट्रोल करते हैं। इसके लिए उनके पास एक डिवाइस होता है जो कि टेक्स्ट की स्पीड को कम करने के या ज़्यादा करने के काम है वो आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी टेलीप्रॉम्प्टर डिवाइस के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करते रहें, और इसी प्रकार के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।